पॉजिटिव टू निगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज करेंगे, और खासकर हम चेंज कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में। और ट्रांसफॉर्मेशन में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको वाक्य बदल देना है बिना वाक्य का अर्थ बदले। सो पहले तरीके के वाक्य, इसमें कई तरीके के वाक्य होंगे, वाक्य कैसा है हमें ये पहचानना होगा, और फिर स्पेशल वाक्य का स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए हमें उसे चेंज करना होगा। तो पहला वाक्य जो होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है, यानी एक कॉमन सा सेंटेंस होगा जिसे देख करके आप समझेंगे कि ये सामान्य सा वाक्य सेंटेंस है, लेकिन जब उसे आप निगेटिव में बदलेंगे तो आपको बहुत ही टेक्निकलिटी की आवश्यकता है। तो एक सिंपल सेंटेंस को निगेटिव में बदलने के लिए हमें याद रखना है दो नियम। पहला नियम ये होगा कि हमें सेंटेंस को निगेटिव बनाना है। पहला नियम क्या होगा, मेक इट निगेटिव। एंड सेकेंड सेंटेंस क्या हो जाएगा, अपोजिट ऑफ एडजेक्टिव, जो भी एडजेक्टिव है उसका अपोजिट यूज करना है। यानी जैसे कहा जाता है ही, जैसे यहां पे लिखा है राम इज अ गुड बॉय, अब राम एक अच्छा लड़का है, अब यहां पे एडजेक्टिव क्या है, अच्छा, और राम अच्छा लड़का है, तो अब हमें राम के साथ इसका निगेटिव यूज करना है, तो बनेगा राम इज नॉट अ बैड बॉय। अगर आप गुड बॉय कर देंगे तो वो निगेटिव तो हो जाएगा लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, अर्थ चेंज हो जाएगा। तो ऐसे में हमें निगेटिव बनाने के लिए अपोजिट ऑफ द एडजेक्टिव यूज करना है। जैसे माई ब्रदर इज अ गुड प्लेयर, माई ब्रदर इज अ गुड प्लेयर। अब अगर मेरा भाई एक अच्छा प्लेयर है तो क्या बनेगा सेंटेंस, नॉट अ बैड प्लेयर, माई ब्रदर इज नॉट अ बैड प्लेयर। सेकेंड तरीके का सेंटेंस होता है जिसमें ओनली और एलोन का प्रयोग किया जाएगा। अगर वाक्य में ओनली और एलोन का प्रयोग आता है, आप लोग ये समझ लो कि जैसे कहा जाता है ना, डॉक्टर मर्ज देखकर दवा देता है, हर दवा हर इंजेक्शन हर एक को दे दिया जाएगा क्या, वैसे ही निगेटिव बनाते समय सारे रूल एक ही में नहीं लगेंगे, हर वाक्य का अलग अलग रूल होगा। तो वाक्य पहले पहचानेंगे कि यह वाक्य कौन सा है, और फिर अकॉर्डिंग टू दैट उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहां ओनली एंड एलोन, तो यहां ओनली और एलोन अगर यूज किए गए हैं तो वाक्य में इनकी जगह, ओनली और एलोन की जगह हमें ध्यान देना है कि इस ओनली और एलोन को रिप्लेस करने के लिए हम नन बट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, नन बट। जैसे ओनली एंड एलोन राम कैन डू इट, केवल राम इसे कर सकता है, तो कौन कर सकता है, राम। तो ये बात तो वो कह रहा है, तो आपको कहना है राम को छोड़ के कोई नहीं कर सकता, तो नन बट कोई नहीं, बट राम कर सकता है। समझ में आ रहा है, तो ओनली और एलोन आएगा। अब यहां पर अगर आप डबल ओ करने की कोशिश करें, निगेटिव बना के इसका अपोजिट यूज करने की कोशिश करें, तो यहां एडजेक्टिव है ही नहीं, बनाएंगे कैसे, तो हमको चेंज समझना होगा कि वाक्य किस तरीके का है। अब हमारा तीसरे तरीके का वाक्य आ रहा है जिसमें एज सून एज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग हो रहा है, और एज सून एज के साथ यहां पे एक सेंटेंस और भी आ सकता है, वो है हार्डली हैड। क्या है, हार्डली हैड। अब हमारे पास तीसरे तरीके का सेंटेंस हो सकता है जिसमें हम एज सून एज या हार्डली हैड का प्रयोग देखते हैं। एक बात याद रखना, हार्डली हैड के साथ वेन आता है, ओके, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, हार्डली हैड के साथ वेन आएगा। तो सेंटेंस है हार्डली हैड ही सीन अस, हैड है तो सीन होगा, और एज सून एज ही सॉस, अब देखिए हैड ही सीन अस ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और एज ही सॉस ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट से ही बनाएंगे और निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नो सूनर डिड,
और मैंने पहले बताया है कि डिड जहां पर प्रयोग हो जाएगा वहां पर एमवी की फर्स्ट फॉर्म आनी है। क्लियर है? तो एमवी की फर्स्ट फॉर्म यहां पे आएगी, तो क्या आएगा, नो सूनर डिड ही सी अस देन ही रैन अवे, बाद का सेंटेंस एज इट इज कॉमन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन है? ओके, नेक्स्ट डिग्री कंपैरिजन। डिग्री कंपैरिजन में सेंटेंस में, चूंकि यहां पर ध्यान रखना ऐसे ही सेंटेंस का निगेटिव बन सकता है जिसमें केवल दो के बीच में तुलना हो, यानी या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। और हमेशा ध्यान रखना जो गलती नहीं करनी है वो ये है कि जैसे डिग्री दी गई है कहीं पर, तो अगर टॉलर दिया गया है तो इसको रिप्लेस करते समय हम एज टॉल एज को प्रयोग करेंगे, आप टॉलर प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि डिग्री चेंज होनी है। आप ये मत कहिए कि हम टॉलर से ही बना दें, वो कह रहा है वो लंबा है, आप कह दो नहीं लंबा है। जैसे वो कह रहा है कि राम इज एज टॉल एज राहुल, है ना, राम उतना लंबा है जितना कि राहुल। अब क्या करोगे आप? ये कह सकते हो कुतर्क के तौर पर कि राहुल इज नॉट एज टॉल एज राम। तो सर बन गया ये बन कहां गया? वो कह रहा है राम उतना लंबा है जितना कि राहुल, यानी दोनों बराबर लंबे हैं, और आप कह रहे हैं राम इज नॉट एज टॉल एज राहुल, यानी राम उतना लंबा नहीं है जितना कि राहुल, इसका मतलब राम छोटा है। तो वाक्य बदल गया ना, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो आपको समझना क्या है कि टॉलर यानी कॉम्परेटिव डिग्री के रिप्लेस करने की कोशिश करनी है। कॉम्परेटिव दिया होगा तो पॉजिटिव लाएंगे, पॉजिटिव दिया होगा तो कॉम्परेटिव डिग्री लाएंगे। समझ में आया नहीं आया? जैसे दिस क्वेश्चन इज Easier than that, यह क्वेश्चन उस क्वेश्चन से क्या है, आसान है, ज्यादा आसान है। तो यही तो कहोगे ना, that question is not as easy as this, वो वाला उतना आसान नहीं है जितना ये वाला, यानी ये वाला उससे ज्यादा आसान है। यानी यहां पे मूल मंत्र ध्यान देना है, बेसिक ध्यान देना है कि हमें डिग्री चेंज करनी ही करनी है। टॉलर है तो टॉल फॉर्म लगाएंगे, और टॉल है तो टॉलर फॉर्म लगाएंगे। यानी सिंपल डिग्री आएगी तो ईआर फॉर्म, ईआर फॉर्म आएगा तो सिंपल डिग्री, और पॉजिटिव होगा तो निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव बना देंगे। क्लियर? फिर अभी और समझाएंगे आके, जब हम एक्सरसाइज अभी कराएंगे तो उस पर समझेंगे। यहां पे क्या आ रहा है, टू रिमूव, इस पर हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, पूरा टू रिमूव का एक वीडियो पहले बनाया जा चुका है, जिसको भी वीडियो से संबंधित चीजें देखनी है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से देख सकता है। ठीक है, तो टू रिमूव, टू क्या है, हमारा एक एडवर्ब है, हम पहले ही बता चुके हैं कि टू एक एडवर्ब है। टू चार तरीके के बताए थे, टू का मतलब क्या है, मैन इज टू पुअर, इंसान क्या है, ज्यादा गरीब है, और काहे के लिए, बाय कार। तो क्या मतलब हुआ, वो इतना गरीब है कार नहीं खरीद सकता, तो सकने में कैन आएगा ना, तो क्या बनेगा, कहा था टू को रिप्लेस किससे करेंगे, सो से, तो क्या हो गया, मोहन इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय कार। समझ में आया? अब यहीं पर अगर एक सेंटेंस आ जाता कि प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, तो कैसे बनाते, प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व, गलत हो जाएगा। कहा था टू सॉल्व, पैसिव फॉर्म नहीं बनाएंगे, टू बी सॉल्व तो हमने नहीं लिखा, इट कैन नॉट बी सॉल्व नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लाना पड़ेगा, और जहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया वहां वन लगाइए या नन लगाइए, तो हो जाएगा द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट दैट वन
कैन नॉट सॉल्व या नन कैन सॉल्व। क्लियर? यानी यहां का अगर सब्जेक्ट नहीं आएगा तो दैट के बाद वाला सब्जेक्ट यूनिवर्सल ले लेंगे, वन या नन। वेरी गुड। नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगर सिंपल एक सेंटेंस है, मैंने उसकी मदद की, मान लीजिए यहां पे सेंटेंस है आई सा द ताज, तो मैंने ताज देखा, इसका मतलब मैं ताज देखने से चूका नहीं, आई सा द ताज। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, निगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज, चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन है, स्टार लगा के देखें लिखा, इसीलिए मैंने इसे। और यहां पर इसी का दूसरा सेंटेंस हम लिख देते हैं, जैसे आई हेल्प्ड हिम, ओके, मैंने उसकी मदद की, तो क्या बनेगा, आई डिड नॉट फेल टू हेल्प हिम। वेरी गुड, गेट इट? अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई, इसे रफ करके थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब देखिए आपको बताना है कि पहला सेंस क्या है, तो यहां पर एक पहला सेंटेंस मैं अपने उससे अपने आप से चुन रहा हूं, और एक सेंटेंस हम लेते हैं, बड़ा बड़ा सा लिखा जाएगा ताकि आपको समझ में आए, करीम इज टॉलर देन सोहन। बेटा आप बताइए क्या बनेगा, बताइए, करीम इज टॉलर देन सोहन, तो मैंने क्या बताया था इसमें, जहां पर ये पहले बताओ वाक्य कौन सा डिग्री वाला है, डिग्री वाला है, डिग्री वाले वाक्य में क्या बताया था, ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, तो सोहन इज अब नॉट है तो निगेटिव है, नॉट बनाएंगे, नॉट एज टॉल एज करीम। क्या प्रॉब्लम है, वाक्य समझ में आ रहा है सबको? दूसरा सेंटेंस आप लोग कोई बोलेंगे नहीं, मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, ओनली अ किंग कैन लिव सच लाइफ। समझने की कोशिश करिएगा वाक्य क्या कह रहा है, ओनली अ किंग कैन लिव सच अ लाइफ, केवल राजा ऐसी जिंदगी जी सकता है। कैसा सेंटेंस है, कौन सा है, ओनली और एलोन का सेंटेंस है, इसको क्या रिप्लेस करते थे, नन बट, किससे, नन बट, नन बट अ किंग। बाकी का सेंटेंस सेम रहेगा, कैन लिव सच लाइफ, है ना, सेंटेंस क्लियर हुआ। आगे कुछ और सेंटेंस कर लेते हैं, सेंटेंस है एज सून एज ही गॉट द मनी कॉमा ही वेप्ट, हाँ वीप का सेकेंड फॉर्म, जैसे उसे पैसे मिले वो रो पड़ा। बड़ा अजीब सा सेंटेंस लग रहा है कि उसे पैसे मिले और वो रोने लगा, लेकिन कुछ गरीब ऐसे होते हैं जिनको बहुत, जैसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत हो, आपको कोई रास्ता ना मिल रहा हो, आपको अपने किसी आदमी का ऑपरेशन कराना है, अचानक कोई व्यक्ति आपको पैसे, खुशी के आंसू होते हैं, तो वो खुशी के आंसू होते हैं, है ना, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे भाई, नो सूनर, वेरी गुड, किससे बनाएंगे, नो सूनर डिड ही गेट, वेरी गुड, नाइस, ही डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज रिमेंबर, गेट द मनी देन ही
वेप्ट। क्लियर? अब इसी सेंटेंस को, थोड़ा सा मैं बियॉन्ड द सर्कल जा रहा हूं, इस सेंटेंस को हार्डली हेड से बनाइए। हार्डली इस सेंटेंस को हार्डली हेड से बनाइए, आपस में खेलिए। इंग्लिश इजी है अगर तुम इजी समझो तो, है ना? हार्डली हेड ही गॉट, यही चीज पकड़नी है। हार्डली हेड ही गॉट गॉट द मनी। ये बात हमने इसीलिए पूरा सेंटेंस दिया था, मैं देखना चाहता था कि हार्डली हेड के साथ वेन आता है, ये आपको याद है कि नहीं। बस ये ध्यान रखना, ये ऐसे कंजक्शन है जो जोड़े में यूज किए जाते हैं, इसके बाद यही आएगा। जैसे नो सुनर डिट के बाद देन आता है, हार्डली एड के साथ वेन आएगा। अच्छा, कुछ और कंजक्शंस भी याद कर लेते हैं, जैसे सो दैट अगर कहीं पर आ गया है तो इसके बाद कौन सा कंजक्शन आएगा, सो दैट, या कौन सी वर्ब आएगी? सो अलग अलग भी होता है, सो दैट ये ताकि वाला है, ये तो सो दैट आप अलग अलग अगर देखेंगे, ये दो कंजक्शन है। देखो ध्यान देना, जैसे ये सेंटेंस तो अभी पीछे आपने किया है ना, राम इज सो वीक दैट, ये देखो कंजक्शन दोनों आए, ये अलग अलग भी आते हैं। इतना इसका अर्थ होता है इतना, और यहां पे अर्थ आता है कि वह इतना कमजोर है कि ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता। क्लियर? राम इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, अगर इसको वॉच से रिप्लेस कर दिया जाए तो चूंकि यहां पास्ट इंडेफिनिट आ चुका है, सीक्वेंस ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग कैन भी कुड में बदल जाएगा। क्लियर? समझ में आया? अब यहां पे ध्यान देना, इस सेंटेंस में कैसे क्या होगा, जैसे लिखा है वी सो दैट, सो दैट का अर्थ होता है ताकि, ये कंजक्शन कैसे यूज होता है तो देखिएगा। इस सेंटेंस को यूज करते हैं जैसे वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट, अब इसका पर्पज आगे आएगा, क्या आएगा इसका, किस लिए खाते हैं। तो यहां पर हमेशा सो दैट वी मे लिव, हम जिंदा रह सकें, यानी सो दैट हमेशा अपने बाद में लेके आएगा। समझ में आया नहीं आया? ऐसे ही लेस्ट के साथ, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, जैसे वॉक केयरफुली लेस्ट, आराम से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फॉल, तुम गिर पड़ो। समझ में आया नहीं आया? यानी लेस्ट के बाद शुड का आना पक्का है, ये कॉम्बिनेशंस याद रखेंगे, ठीक है? समझ में आया? इस सेंटेंस को अगर आप कर लेते हैं तो मुझे ये लगेगा कि आप इंग्लिश को समझ पा रहे हैं। ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट, बताइए क्या बनेगा, बताइए वंचित। सबसे हाँ बताइए, गलत है। अब यहां पर इन्होंने डज नॉट लगा दिया, और डज नॉट गलत है चूंकि यह सेकेंड फॉर्म है, और एमवी की सेकेंड फॉर्म में डिड नॉट आता है। ये भी तो देखना पड़ेगा, बेसिक भी देखने पड़ेंगे ना। अगर यहीं पर फाइंड्स होता, पाता है, तो डज नॉट होता, ये डिड नॉट है, तो सेंटेंस हो जाएगा ही डिड नॉट फाउंड हिम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट अपोजिट ऑफ द एडजेक्टिव, वेरी गुड। क्लियर? yes, sir.